हल्द्वानी शहर के लामाचौड़ स्थित MIET कुमाऊं कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया, जिसका विषय सतत विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी और कृषि विज्ञान रहा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया। बता दें, संस्थान के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर BS बिष्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद UCOST और उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र के सहयोग से हुआ है। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न 8 विषयों पर लगभग 250 से अधिक शोधार्थी अपनी शोध को प्रस्तुत कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश विदेश में चल रहे शोध को उत्तराखंड के सतत विकास से जोड़ना है। इसी के साथ ही बता दें, कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, हंगरी आदि विदेश से शोध पत्र शामिल हैं। वहीं इस मौके पर किसने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो साइंटिस्ट लोग आए हैं, वो हमें मतलब जो अपनी एजुकेशन जो उन्होंने रिसर्च की है उन चीज़ों को वो हमें दिए, मतलब वो अपनी रिसर्च को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं हमें डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो उन लोगों ने रिसर्च की है उसको हम आगे चल के अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें। सेमिनार से बहुत चीज़ें फ़ायदे हैं, जैसे उन लोगों ने जो जो रिसर्च की वो हमसे बहुत आगे के हैं, मतलब उन्होंने बहुत चीज़ें हमसे ज़्यादा देखी हैं। वो हमारे साथ जितने भी जो चीज़ें शेयर करेंगे वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वो चीज़ें बता रहे हैं जैसे गायत्री मंत्र जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड हैं, वो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो ये सेमिनार है हेल्थ एग्री और क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, तो इसमें जितने भी जो भी रिसर्चर्स हैं और जितने भी प्रोफेसर्स आए हैं, उन्होंने हमें मतलब इस सेमिनार से हमें उन्होंने बताया है कि किस तरह की रिसर्च उन्होंने की है और किस तरह की रिसर्चें हुई हैं, जिससे हमें बहुत हेल्थ केयर के बारे में और केमिस्ट्री जो हमारी एक अभी हुई थी केमिस्ट्री के बारे में, उसमें हमें आगे को किस तरह से और डेवलपमेंट हो सकता है और जो उन्होंने रिसर्च की है उस पर क्या क्या चीज़ें। जी, हम पंतनगर विश्वविद्यालय से आए हैं और हम MIET का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को, 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जो आयोजित किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे हमें सीखने को ये मिलेगा कि जो डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस उत्तराखंड जिनका पार्टिसिपेशन है इसमें, जैसे USER, UCOST, MIET खुद और भी अन्य जगह से जो टीचर्स वगैरह वगैरह हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हमारा योगदान क्या है सोसाइटी के प्रति, कि हम ऐसा क्या रिसर्च में लाएँ नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट लेक्चर्स में जो बोला गया है उसका यूज़ करके हम सोसाइटी में क्या बेनिफिट ला सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा और हम लोग इम्प्लाई करेंगे। इंटरनेशनल सेमिनार है जिसमें पूरी दुनिया भर के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे जो स्पीकर्स हैं वो मतलब हर जगह से भारत के पूरे भारत के से और भारत से बाहर अपने विश्व में भी अन्य जो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, ये सब देशों के लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ यहाँ पर आए हैं और करीब 38 हमारे पास जो है कीनोट स्पीकर्स हैं जो कि इस विषय पर बोलेंगे, क्योंकि ये हमने इसको 8 भागों में बांटा है अलग अलग भागों में, तो अलग अलग उसमें जो है इतने से बहुत सारे उसमें लेक्चर्स होने हैं और ये जो है हमारा हमें ट्रेंड एमर्जिंग ट्रेंड्स इन स्टेम एंड हेल्थ एग्री साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड हमने इसको रखा था, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इसको कर रहे हैं। में साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए एक सबसे बड़ा तरीका होता है कि आपको जो है बच्चों को मोटिवेट करना होता है, फैकल्टी मेंबर्स को मोटिवेट करना होता है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें भी हो रही हैं उसको एक्सपोज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स को रेगुलरली कंडक्ट कराते रहें, सो दैट सभी बच्चे समझ पाएँ कि अभी साइंस किस दिशा में बढ़ रही है। सर, और तमाम बच्चे यहाँ पर थे, कितने बच्चों को आपके द्वारा बताया गया और क्या मुख्य इसका उद्देश्य क्या था, ये जो 2 दिन के सेमिनार यहाँ पर लगाया गया है क्या मुख्य उद्देश्य है? एज अ सेड कि जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को एक्सपोज करें कि जो साइंस है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, साइंस का डेली लाइफ में और टेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को हमको बच्चों को बताना होता है। जो बेसिकली जो मैंने इनको व्याख्यान दिया था उसमें मेन फोकस मैंने इस बात का रखा कि हमको बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्वालिटी किस तरीके से आती है रिसर्च में एंड किस किस तरीके से बैकग्राउंड से लोग कितना एक्सेल कर सकते हैं, वो चीज़ें बच्चों को बताया गया था। गुड न्यूज़।